Assalamualaikum, Assalamualaikum and Assalamualaikum, जहां जहां मुझे देखा जा रहा है या मुझे सुना जा रहा है या मुझे महसूस किया जा रहा है, उन सबको आज सनिया की तरफ से Assalamualaikum and पहर आ गई भली की रहते तेरे में सदके थीवा वैसे जो सदके थीवा ना मैं ऐसी होना चाहिए सदके थीवा and hello to my show with RJ Sania from your most and the most wanted platform FM हमारा और आपका अपना खाई 97 right जी मैं आपके साथ मौजूद हूँ हमारा खाई FM 97 के स्टूडियो से लाइव जिंदा नहीं मतलब लाइव के बराबर रात आपके साथ मौजूद हूँ और आपका मेरा साथ होता है एवरी एंड ओनली सैटरडे को शाम 4 से 6 बजे तक और मैं लाती हूँ आपके साथ आपका शो जिसका नाम है म्यूजिक कैफे जिसमें हम करते हैं बहुत सारी चिटचैट गपशप करते हैं एंटरटेनिंग पॉइंट है और साथ में जो है दो ऐसी चीजें जो आप जो है ना हम आपको एंटरटेन करते हैं और वो क्या है कि सिंपली आप अपने को वॉइस पहुंचाना चाहते हैं अगर आप अपने दिल की आवाज अपने जज्बात इस साथ दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं कहते हैं कि किस तरह से पहुंचाएं हम बात भी करते पता भी ना चले तो वेरी सिंपल डेट्स वन क्या आपने करना एक नंबर है जो आपको बताऊंगी आपने जल्दी से नोट करना है नोट करने के बाद आपने फौरन से पहले आपने मुझे कॉल मिला लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपके पास क्रेडिट होना मस्ट है जी राइट जी नंबर जल्दी से नोट करें 0537601961 हमारा लैंडलाइन नंबर है और जो व्हाट्सएप नंबर है वो हमारा है 0302395979797 बट आपने पहले इसको सेव करने देन यू कैन यूज इट अगर आप टॉपिक से रेलिवेंट या अपने कोई क्रिएटिव चीज आर्ट या चाहते हैं कि आज मैंने कुछ अलग से किया सारी दुनिया देखे तो नो प्रॉब्लम डेट नॉट सच आप डिफिकल्टी आप जल्दी से सेव करेंगे आवर्स करने के और मैं यहां बैठ के दिखाऊंगी कि इस बंदे ने आज ये धूम मचाई है ओके जी आज जो है सैटरडे है और सैटरडे को जस्ट मेरा और आपका साथ होता है और एक चीज बताते चलो जो वो लिसनर व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम मुझे ये ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम मुझे ट्यून किया सुन रहे हैं उनको बताते चलो आपका मेरा साथ सिर्फ सैटरडे को होगा इसके अलावा कोई फ्लेक्सिबिलिटी कोई एंटरटेनिंग पॉइंट नहीं है और शाम 4 से 6 बजे तक वेलकम करेंगे अपने तमाम लिसन एंड व्यूअर्स को स्पेशली अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़े प्यारे बड़े अच्छे बड़े गुगले से लगते हैं इतनी दूर बैठे बेचारे जो है ना इतना मिस कर रहे थे पाकिस्तान को तो राइट इसी एक प्यारी सी एक स्माइल के साथ ओके हमेशा हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए धूम मचाते रहिए और एक मैसेज के साथ हम अपना जो है अपने शो का आगाज करेंगे प्रॉपरली और वेरी फर्स्ट ट्रैक है आज मैं आतिफ का प्ले करूंगी आतिफ का है और ये न्यू वर्जन है रीमिक्स किया गया बहुत जो है ना कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड ये वही हिसाब है पुराना म्यूजिक है बहुत पसंद किया जाता था तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना इस रीमिक्स किया गया है और आप इसे एंजॉय कीजिए बट यू विल स्टे विद मी आई विल बी बैक थैंक यू सो मच एंड एंजॉय दिस ट्रैक हाय बोलेंगे अपने तमाम जो व्यूअर्स हैं और जल्दी से जो है ना वो कहते हैं कि ईद पे जो है ना कोई जल्दी से आ जाए ना हमसाए के घर से नेबर से कुछ खाने पीने को खीने कहते हैं कि सुबह सुबह आ भी है तो ये वही ये भी वही बात है कि यहाँ पे मेरा ऑनलाइन होना यहाँ पे मेरा जो है अभी पे लाइव आना होता है साथ ही जो ना इतनी प्यारी सी छोटी छोटी से हार्ट समटाइम बड़े जो हार्ट है वो आने शुरू भी हो जाते हैं और मैं लाइक ओके स्टार्ट हो चुका है ठीक है और जी आप वेलकम कहेंगे सबको जल्दी से मैं जो मैसेजेस शामिल करूंगी बहुत ज्यादा मैसेजेस है वो मिस हो गए बट डोंट यू वरी यू विल बी स्टे विद मी मेरे साथ ही मैं आपके मैसेजेस शामिल करती रहूंगी माजीद अली को सबसे पहले हम आज शो में वेलकम कहेंगे खुशामदीद कहेंगे कहते हैं रास्ता एक हो तो छोटी छोटी बातों पर बुरा नहीं मनाए करते दैट्स गुड अच्छी बात की है अच्छा आरजे सिंजोर आज भी हमारे साथ मौजूद है आवर्स थैंक यू सो मच और साथ में चौधरी आतिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद है कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम शो इज वेरी नाइस थैंक यू सो मच और साथ में ये भी बताइए कि आप सबने मुझे कहाँ से ज्वाइन किया है और वो लोग जो आज हमारे रिसेंट व्यूअर्स में जो कि ओल्ड म्यूजिक को बड़ा पसंद करते हैं आज उनका फेवरेट है
टॉपिक जो है आज मैंने वो अगर मेरे जितने फ्रेंड लिस्ट में मौजूद है एफपी पे वो भी जानते होंगे आज मैंने टॉपिक नहीं बताया क्योंकि मैंने रैंडमली क्वेश्चन रखने हैं दैट विल बी एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव डेफिनेटली। आयशा डार कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे कि आयशा आप कैसे हो, हमारे रेगुलर व्यूज में है आयशा डार और खुशाम दी कहेंगे हमेशा की तरह आपको इसी तरह शो में साथ दीजिएगा। और साथ में एक चीज बताते चलिए, मेरी जो चाय है वो ठंडी हो रही है इससे पहले कि चाय जो है वो बर्फ बन जाए या फिर क्या मैं पी लूं। अच्छा चाय की बर्फ से मुझे याद आया, घर में जो है भाभी ने चाय बना के रखी हुई थी और मेरा जो छोटा नेफ्यू है उसने क्या किया कि मामा बिजी होती है, मामा ने तीन दफा चाय गर्म की, उसने इतना छोटा सा आइसक्रीम पकड़ा चाय के अंदर ना ऐड करने लगे, चाय जल्दी से ठंडी हो मामा पी ले। मतलब बच्चे तो इस तरह से करते हैं। सरदार शहबाज को वेलकम कहेंगे। चौधरी साथ इम्तियाज एडवोकेट बड़े अरसे बाद हमारे साथ आज मौजूद है, लगता है कि कोई केस शेस अभी नहीं मिला, फ्री है इस वजह से आज ज्वाइन किया। माजिद और साथ में नदा शेख कहते हैं क्या हाल है आपका, अलहमदुल्ला आई एम गुड एम वर्ट सो। आप मुझे बताया कि आप कैसे। शेबी मलिक ने आज फिर हमें ज्वाइन किया। शेबी आप लास्ट टाइम कहाँ थे शो में, मुझे सबका याद होता है कि किसने कोई कितनी छुट्टियां की हुई है ना बगैर इन्फॉर्म किए बगैर बताए हुए। और साथ में ना स्पेशली आप लोग लीव में नहीं भेजते कि आज हम जो है ऑफ करेंगे, दिस इज नॉट गुड। अच्छा आतिफ का ये सॉन्ग अगर आप सुन सकते हैं, सुन सकते तो होंगे अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे तुम, हाँ मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो कसम से, क्या क्या म्यूजिक होता था ओल्ड इज गोल्ड सीरियसली। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ओके जावेद को वेलकम कहेंगे, कहते हैं आप आवाज आपकी लाजवाब है, आसम आसम आते क्या मतलब धूम धड़के मचा दिए, मेरी खुशी का यही होता है ना आते तारीफ करती मैं बस मैं थोड़ा पंप हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार शो करने का। आयशा डार कहती है अल्लाह आरजे बनाकर कितना बोलना पड़ता हो। अच्छा आपका अल्लाह आरजे बनकर कितना बोलना पड़ता है, हाँ लेकिन वो लोग जो टॉकटी वो शुक्र करते थैंक्स टू गॉड एक प्लेटफॉर्म मिला हमारे को सुन तो रहा है ना आयशा ऐसे भी होता है। ओके अर्शद क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सलाम डियर क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड नंबर सो बर्जु। अर्जित मारी कहते हैं वेरी नाइस सो थैंक यू सो मच। अच्छा अर्जित ये आगे क्या है हॉट देन ए देन हॉट व्हाट्स मीन बाय दिस। शिवी मारी कहते हैं हाँ पता ही नहीं कि कब आता ओह अल्लाह दस एंड ही नहीं करो दिस इज नॉट फेयर। आपको पता है सैटरडे को बता देती हूँ, सैटरडे को 4 to 6 PM आपका मेरा साथ है। रफी को वेलकम कहेंगे अपने शो में। और अर्जित कहते हैं कि फ्रॉम सिंध हैरपुर, ओके माई गॉड थैंक यू सो मच, आपने इतनी दूर से बैठ के मैसेज हमें किया और वहाँ भी बहुत आई थिंक सो गर्मी होगी। मोहम्मद खान क्या बात है, क्या नाम है इसमें आपका नाम क्या, मोहम्मद ही खान जैसे मेरा जो नेफ्यूज का नाम मोहम्मद है मैं उसे खान ही कहती हूँ, मतलब आप दोनों उसमें आ रहे हो। मोहम्मद खान कहते हैं कि थोड़ा आहिस्ता बोलूँ मुझे तो आधा भी ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब मैं स्लो बोलूँगी और आहिस्ता बोलूँगी। ओके मोहम्मद खान हानी आपको मैं बोल सकती हूँ, वैसे अपने नेफ्यू को मैं हानी ही बोलती हूँ। जावेद कहते हैं कि आई एम जावेद ओके फ्रॉम कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। ओके जावेद थैंक यू सो मच, आपने इतनी दूर से बैठ के पैकेज करके हमें मैसेज किया है। चाय पी ले ना, चाय तो पी ले, ठंडी हो जानी है, ठंडी होके फिर मजा नहीं आना। अच्छा नेक्स्ट शो ट्रैक है वो आयमा का मैंने रखा हुआ है, आयमा का ओके चाय पी ले लो। माजिद कहते हैं आपने बताया नहीं, माजिद क्या आपने पूछा, आप दोबारा पूछिए मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। हम सबको वेलकम कहेंगे और मंसर वाह क्या बात है कहते कहते ना हमारे आंसर मंसर वेलकम आप ही हो कि शामदीद आपको भी कहेंगे, आपको भी वेलकम कहूंगी अपने शो में। और उसके बाद मोहम्मद खान जो है ना एक प्यारी सी जो गिगली है वो हमें भेजी है। अच्छा माजिद क्या कहते हैं मेरी कितनी छुट्टियाँ हैं मैडम। अच्छा माजिद आप जो है ना रिसेंटली लास्ट वीक में लास्ट 2 वीक आप रेगुलर थे ठीक है, उससे पीछे आप थोड़ा सा कहने के गायब हो गए थे, अदरवाइज आप जो रेगुलर। अच्छा साथ ही मुझे चेकआउट करना भी शुरू कर दी है ये भी अच्छी बात है, ठीक हो गया। ओके जी जावेद क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम आपका शो सुना, थैंक यू सो मच। ओके और मुनव्वर को वेलकम कहेंगे अपने शो में। मोहम्मद रफी कहते हैं अल्लाह करे आप बहुत अच्छा से हो, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। शुएब वेलकम कहेंगे आपको शो में, कहते हैं कि शुएब मेरी चाय पे बात आ गई, मैं चाय कप पकड़ने की देर है साथ ही मेरी चाय पे बात आ गई। क्या कहते हैं शुएब दोबारा से करूँ, जरा मैं इसे पढ़ूँ बड़ा मजा आएगा।
मंसूर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा है। आई एम फ्रॉम दुबई, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। ओके, अर्शद जवेद है, कहते हैं ओके मैं जो है ना ऑन योर चैनल की उसके बाद जो है एक और सॉन्ग प्ले करके देख लीजिए, फिर आपके साथ वहाँ पे सॉन्गी। आप तो मेरे प्यारे से व्यूर्स है ना, खुशामदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे अपनी तमाम रिसेंट व्यूअर्स को। आपकी बताती चलूँ, मैं सर लाइव मौजूद हूँ FM हमारा 97 के स्टूडियो से। किस तरह से आपने इसकी जो लिंक है उसको ज्वाइन करके आप भी लाइव आप यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। और सीरियसली मेरे जो व्यूअर्स की फैमिली है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत मजा आता है हमें यहाँ पे चिट कैट करके। खुशामदीद कहेंगे जवेद को, और मंसूर ही कहते हैं कि सदमा तो है मुझे भी कि तुझसे जुदा हूँ मैं, लेकिन ये ना सोच नहीं, लेकिन ये सोचता हूँ कि अब तेरा क्या होगा पता नहीं। ओके सजाद को वेलकम के हमारे रेगुलर व्यूअर्स में शामिल होते हैं। उर्दू का दिल जीतने के मामले में आमिर और मौलवी ज्यादा चलाक होते हैं। अच्छा सजाद आते ही ना छक्के उड़ाने शुरू करती हैं। चौधरी तैमूर मौजूद है हमारे साथ, काफी अर्से बाद चौधरी तैमूर हमारे साथ मौजूद है, लगते हैं कुछ ज्यादा ही बिजी कहते हैं। माशाल्लाह क्या हाल है? अच्छा माशाल्लाह क्या हाल है, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, अमर सर अबाउट टू यू। अगर आप मुझे लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो दैट्स नॉट जस्ट डिफिकल्ट, आपने FVP जो हमारे लिंक से ज्वाइन करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेरी जो व्यूज की फैमिली है उसमें शामिल हो सकते हैं। सुहेल कहते हैं कि वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट ट्रैक एक और ट्रैक प्ले करते हैं आना। अच्छा इसके जो नेक्स्ट लिंक है उसमें मैं डेफिनेटली रैंडमली एंटरटेनिंग मैंने जो है ना वो रखे हुए हैं आप लोगों के क्वेश्चन। आप मुझे लग रहा है बहुत मजा मुझे आने वाला है ना, सारे जो कॉलर्स हैं व्यूअर्स के साथ मैंने स्पेशली आज जो है ना वो क्वेस्टिंग करनी है। नेक्स्ट ट्रैक है आई एम बैक, एंजॉय दिस ट्रैक एंड आई विल बी बैक, डेफिनेटली आई एम हियर। ओके नदाशे, अच्छा नदाशे मुझे ये बताएं नदान उर्दू वाला नदान है? कहते हैं कि मैं 7 साल बाद देख रहा हूँ, माई गॉड। अच्छा देखना 7 साल बाद शुरू किया है कि हमारा जो है स्टूडियो से मैंने शो उसको देखना शुरू किया, ये भी पॉइंट कर दीजिएगा। ओके मोहम्मद रफी कहते हैं कि लास्ट शो नहीं देखा, देख पाऊँ मैं बहुत USS से। ओके सेकंड ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, हो जाता है, समटाइम बिजी हो जाते हैं। चौधरी साहब इम्तियाज एडवोकेट कहते हैं कि ऐसे लगता है 1.5x स्पीड। सीरियसली आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आप स्लो बोलूं, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। कि जवेद कहते हैं कि प्लीज अपने शो की टाइमिंग बता दे आरजी सीनिया। मेरे शो की टाइमिंग है एवरी सैटरडे एंड ओनली सैटरडे, यानी जस्ट सैटरडे को शाम 4 से 6 बजे तक। माजिद अली क्या कहते हैं? बॉयकॉट बॉयकॉट, अल्लाह खैर करे। माजिद क्या आपने धरना रख दिया, क्या धरना शुरू कर दिया? आयमा का सॉन्ग है बेफिक्रियां, तो माजिद बेफिक्रियां अपनी लाइफ में लेकर आए। बाइक का खर्चा करना छोड़, उसमें कुछ नहीं रखा। जवेद क्या कहते हैं? अच्छा आरजे सनिया पाकिस्तान का मौसम, ओ माय गॉड, पाकिस्तान का मौसम खारी का बताऊं तो प्रिडिक्टिव है कि आज से जो है ना रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा है। दुआ करें, जब गर्मी पड़ती है, गर्मी तो पड़ती है लेकिन जो गर्मी है ना ये हमारी जो है ना गवर्नमेंट उसको उसके दिमाग पर डायरेक्टली अटैक करती है और लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी बताएं। सुहेल कहते हैं कि वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। जवेद कहते हैं कि थैंक्स बता दें बताने के लिए, ओ माय गॉड। ओके माजिद कहते हैं यू नो मी ना बॉयकॉट क्यों बोला। अच्छा जवेद बेफिक्रियां सॉन्ग सुने उसमें अमल करें, जिंदगी में बेफिक्री लेकर आए, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का मुझे नहीं, अब देनी शुरू कर देनी आपने। शिव कहते हैं कि बातें तो चार आपसे करनी है, एक रोज चाय मेरे साथ पीजिए। ओ वाह वाह क्या बात है, वैसे बात ऐसी होती है ना, मैम पाकिस्तान में भी ऐसे होता है कि आप अच्छा बात करनी, मीटिंग करनी है ना, ये नहीं कहा जाता कि मीटिंग करनी है, कहा जाता है कि आपसे चाय पीनी है, तो ठीक हो गया। ओके पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच छोड़ कर आपको देख रहा हूँ, माय गॉड वैसे कमाल की वैसे बात है, बड़ा सेक्रीफाइस करें मैच छोड़ के, बड़ी बात है मैच छोड़ना आसान नहीं और ना आम लोगों का काम, इसका मतलब यू आर वेरी 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 स्पेशल। श्वेत को क्या हुआ, श्वेत इतनी अजीब सी मुझे क्यों बनाई हुई है? माजी कहते हैं कि चाय अकेले अकेले नहीं, आप सब साथ हैं ना मेरे और क्या करना है, मैंने ना कमर्शियल मिस कर दी है क्योंकि टाइम हो गया 4:48, बताना नहीं है किसी को आपने ना, प्लीज क्या करेंगे, चलें कमर्शियल
कमर्शियल लेना भी तो जरूरी है ना, इम्पोर्टेंट है, जरूरी होता है वक्फा। शेप कहते हैं वो बात करते हुए कितनी बार हंसती थी, मैं याद रखता था फिर उसे बताना था। वाह वाह वाह, क्या बात है शेप, क्या बात है। इफ्रा मलिक वेलकम करेंगे अपने शो में, कहते हैं प्लीज टी राइट हैंड से। अच्छा इफ्रा मैं राइट हैंड से पी रही हूँ। आपको पता है कि जब मिरर में आप देखते हो तो आपको ऑपोजिट नजर आता है, तो ये भी वही बात है, मेरा राइट हैंड है, अब आप जो है ना ये मेरा लेफ्ट हैंड है। जवेद क्या कहते हैं कि हाँ सोते हैं वो लोग जो मुस्कान की वजह। ओ माय गॉड, कसम से जवेद क्या बात की है, क्या आते शेर सुना दिया, मजा आ गया। हाँ सोते हैं वो लोग जो मुस्कान की वजह बनते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं सीरियसली। अच्छा माजिद कहते हैं कि कमर्शियल ब्रेक मिस कर दी। हाँ ओके, सफीर कहते हैं अल्लाह हाफिज़ ले सफीर दास, अभी आए नहीं तो अल्लाह हाफिज़ भी हो गया। कमर्शियल ले लेते हैं, ले लेनी चाहिए, अच्छी होती है सेहत के लिए, उसके बाद जो है हम आपके साथ ओके। अच्छा ओके, इफ्रा कहते हैं ओके सॉरी, नहीं इट्स ओके, हो जाता है इस तरह। मनसली कहते हैं माशाल्लाह नाइस शो आप ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गर्मी माशाल्लाह से, ऊपर से हमारा ये स्टूडियो, ऊपर से मेरा हिजाब, ऊपर से टप 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 जो है ना पसीना टपकना, क्योंकि वो बात है ना, दिल वाले वही है जो 45 डिग्री में चाय पीते हैं, आई एम दिल वाले। सफीर कहते हैं अच्छा ओके, जवेद कहते हैं कि आज संध्या कश्मीर का मौसम बहुत ही सुंदर है आज। अच्छा जवेद मुझे पता है आप मुझे जुला रहे हो ना, मुझे तंग कर रहे हो, मुझे पता है कश्मीर लोकेशन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और जान कुछ क्या बता रहे हो कि मतलब वहाँ का मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो ठीक है जी आप इंजॉय करें, आप इंजॉय करें, आपने इंजॉय किया तो हमने इंजॉय किया। और सजात हुसैन क्या कहते हैं, सर मैं अभी हॉस्पिटल हूँ ड्यूटी पे, ओके सो बाय बाय एंड फीमानला, ओके फीमानला। अच्छा ये भी बता दें आप हॉस्पिटल डॉक्टर हैं कि खुदा ना करे पेशेंट है, अगर डॉक्टर हैं तो प्लीज बी केयरफुल, ठीक है, आपके हाथ में दूसरों की जिंदगियां हैं, ओके। अच्छा साथ में मैं सॉन्ग्स भी रख लेती हूँ, ठीक है, राहत का म्यूजिक चलाते हैं, राहत और अली खान का इसके बाद। ओके चौधरी साद एडवोकेट के कहते हैं कि शो ने पैटर्न नहीं चेंज किया आपने, ओके क्या आप ऐसे चाहते चाहिए भी मुझे बताइए। बिलाल को हम वेलकम कहेंगे, बिलाल हाउ आर यू, कैसे हो आप, और बड़े कम नजर आते हो, आते हो फेसबुक पे भी, यहाँ लाइव भी लिखता हूँ, नजर आते हैं। मंसरली कहते हैं क्यों आदमी पे खुल ना सका, ओके मिस हो गया। शेप कहते हैं कि ये मेरी माँ के लिए और सबकी माँ के लिए, ओके क्या हाल ही के बाद जिसने मुकम्मल किया मुझे अहले जहाँ, सुनो वो मेरी माँ की जात है, अमेजिंग सॉन्ग है, अमेजिंग। माँ और बच्चे का रिश्ता जैसा है जो खुदा ने भी इस दुनिया से जाने के बाद खत्म नहीं किया, उसे कोई कर भी नहीं सकता है। और बिलाल कहते हैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, और माजिद कहते हैं माजिद मंसर अली कहते हैं क्यों आदमी पे खुल ना सका आदमी का दिल, क्यों इन नफ्सियात को तरजीह दी गई। शबी मलिक क्या कहते हो आप, आपका मैसेज जरूर शामिल करेंगे, लेकिन मैं एक दफ़ा ऑन ईयर जाके फिर आपका मैसेज जरूर शामिल, क्योंकि मुझे नंबर भी दोबारा से अनाउंस करना है। वेलकम बैक कहेंगे अपने तमाम लिसनर एंड व्यूअर्स को, क्योंकि मैं लाइव भी मौजूद हूँ, अगर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लिंक को ज्वाइन करने के FM हमारा खड़े 97 को, तो आप मुझे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस बार लाइव मौजूद हूँ। जुल्फकार अली डाल को वेलकम कहेंगे, कहते हाय हाउ आर यू जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्स अप मौजूद, आप बताइए आप कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप सुनिए अपना नंबर दोबारा से बताते चलूँ, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो है 0537601961, और व्हाट्सअप नंबर है हमारा 0302395977 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो डायरेक्टली उन दिलों तक पहुंचेगी जितना आप पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा तो आज टॉपिक जो है रैंडमली मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं। अच्छा सबसे पहले जो है ना शेबी मलिक माजिद अली और साथ में जो एडवोकेट हैं, स्पेशली इन तीन लोगों से मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोगों की बोलती किसके सामने बंद होती है, स्पेशली एडवोकेट है ना, ये जो किसी को छोड़ते नहीं है ना, जज के सामने भी बस बोल रहे होते हैं, ये मुझे बताएं आप लोगों की बोलती किसके सामने बंद होती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप कॉल करेंगे साथ साथ मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं
कुछ फनी है कुछ सीरियस है और वो मैं आपसे करूंगी। 4:53 हो चुके हैं, नेक्स्ट जो ट्रैक है मैं वो भी प्ले करती हूँ। एंजॉय दिस ट्रैक, आई एम हियर एंड डोंट गो एनीवेयर, इट्स माय थ्रेट। ओके, एंजॉय दिस सॉन्ग। ओके, कॉलर हमारे साथ है, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, पहर अगली। वालेकुम अस्सलाम, पहर अगली। मेरे साथ इससे कौन मौजूद है? हेलो, आपको आवाज आ रही है? ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, इट्स ओके। छोड़ दूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका अंकल, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मोहम्मद अंसर बात कर रहा हूँ गुजरात से। अंसर कैसे हैं आप, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अच्छा अंसर, मुझे जल्दी से बताओ, अंसर मुझे ये बताए कि जब नंबर हम ब्लॉक करते हैं जी, वो हलाल है के हराम है? हलाल है के हराम? हाँ, वो ब्लॉक करना हलाल है के हराम? एक आंस करना है, डिटेल में नहीं जाना। मैं आपको एक बारे में बताऊं, ये मुद्दा है। हाँ, ये मुद्दा है। नहीं नहीं, जो मैंने ऑप्शन दिया उसमें से बताओ हलाल है के हराम है। मैं ये बता रहा हूँ, उसका मुद्दा कहते हैं, उसका नाम होना है, मैं सवाल है। ठीक हो गया, सही हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, मैसेज देना चाहेंगे किसी को? जी, मैसेज मेरा तमाम सुनने वालों को बेहतर यही है कि तमाम सुनने वालों को सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाएं, तो कोरोना से पाकिस्तान की जान छुड़ाएं। ठीक, अच्छा मैसेज है जी। और मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करूं? पाक आर्मी को, ठीक है, ओके। और 97 की पूरी टीम को, ओके। और लंदन दोस्तों को, तमाम को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। मेरा जैसे उसको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। और दस बजे की रात है, ठीक है, तो उसके लिए एक अपना गाना चला दे, कोई भी शादी वाला गाना चला दे उनके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, मैं चला देती हूँ। मैंने जो ये जवाब दिया ना, हाँ, ये मैंने ना ये कोई वैसे जवाब नहीं दे दिया। अच्छा, ठीक है ना जी, इसको मुबारक कहते हैं, ठीक है। नाइट का गुना तो नाइट का सो आ गया था। हर चीज में किसी के बारे में वो होता है ना कि एक चीज फर्ज है, उसका मुकाबला जो होता है वो हराम होता है, ठीक। एक चीज वजह होती है, ओके, उसका मुकाबला जो होता है वो करो होता है, ठीक ठीक है ना। इसी तरह ही मेरी भी चीज होती है, उसका मुबारक कहते हैं, उसका ना गुना होता है, नाइट सवाल होता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, आपका मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया, सुन दीजिए माजी। अच्छा ओके, ज़फ़रान हमारे साथ मौजूद है, उनका मैंने नोट कर लिया, उनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में। श्वेत साफ कर दिया, वालेकुम सलाम, आपको अस्सलाम वालेकुम भी बोलने के उनके लिए भी। आप लोग कैसे? कॉल आ रही है, मैं कॉल अटेंड कर लूं। दिल्ली करे वैसे बंद करे, बट आई हैव टू। नवान हाय बोलेंगे आपको, कैसे हो नवान? अस्सलाम वालेकुम। ओके, डिस्टर्ब क्यों किया मुझे? ओके जी, शशीर राजक को हाय बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, वेलकम, आपको भी बोलेंगे नमान जाए। लास्ट टाइम आपसे बड़ा मजा आया था, जो है ना डिस्कशन करते रहे थे हम, बहुत इंजॉय हमने से किया था। ओके जी, रात का सॉन्ग तो वो मैंने प्ले किया था, सारे रिश्ते नाते तुझसे जोड़ लू, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इस वक्त कौन मेरे साथ मौजूद है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरे साथ इस वक्त कौन कहाँ से मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपको आवाज आ रही है? हेलो, हेलो जी, आपको आवाज आ रही है?
ओके आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम, दोबारा से कॉल कीजिए, मैं डेफिनेटली अटेंड करूंगी और करूंगी और करनी पड़ेगी। सुफियान को वेलकम कहेंगे। शहजेब कह रहे हैं कि मैम लड़काना आजाद कश्मीर से हूँ। शहजेब मुझे बताया काफी अर्से बाद ना आपने शो में पार्टिसिपेट किए। एनीवेज नो प्रॉब्लम। सुफियान कहते हैं इस्लाम आपी जी वालेकुम इस्लाम, शो आपका नाइस, थैंक यू सो मच। और रमाजी जी कहते हैं कि उफ सारा मजा कॉल ऐसा तो भी होता नहीं, ऐसे काम कहते हैं ना बड़े बड़े देशों में छोटी बातें होती रहती हैं, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? हाय मैं बता बता। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आपकी दवाएं। मेरे साथ जैसे कौन मौजूद है? अल्लाह ये भी करना पड़ेगा मुझे मतलब स्टूडेंट के एग्जाम्स हो रहे हैं, मेरा भी यहाँ इम्तिहान चल रहा है। ओके दुआ। ओ देख मैं जीत गई, दुआ मैं जीत गई कैसी हो दुआ? अच्छा दुआ मैं जल्दी से आपसे क्वेश्चन करूं। दुआ एक तरफ जिंगर बर्गर है, हाँ। एक तरफ गोल गप्पे हैं चटनी के साथ, एक चीज खानी ये मुझे बस उम्मीद थी कि आप गोल गप्पे ही चूज करोगे, क्योंकि जब गोल गप्पे की चटनी की बात आती है ना तो दुनिया एक तरफ, गोल गप्पे की चटनी एक तरफ। ओके आवाज नहीं आ रही है क्या? ओके आप फिर कैसे अटेंड कर रहे हो? मैंने तो कितने इंटेलिजेंट, कौन कहता पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है तो oh my God. क्यों को क्या? अच्छा दो आप मैसेज देंगे किसी को? ओके 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 थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और ओके जी खुशामदीद कहेंगे, सबको 5 बज चुके हैं, मुझे क्यों नहीं बताया कि एक कमर्शियल रखनी थी। एनवीस मैं जल्दी से बताते चलो, उदास लड़का हमारे साथ मौजूद था, एफपी पे लाइव मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे, अब्दुल जब्बार को वेलकम कहेंगे। और जल्दी से मैं कमर्शियल की तरफ जाऊँ क्योंकि रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी सक्सेस, और सक्सेस भी जरूरी है क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको पंक्चुअलिटी को फॉलो करना पड़ेगा। सो डोंट गो एनीवे, आई एम हियर विद यू, विल बी बैक आफ्टर अ वेरी वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अच्छा उदास लड़का क्या कहते हैं कि कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम सिटी गुजरात से मैं हूँ और यहाँ खा रही हूँ, मैं जस्ट रोक लिया थी। नुमान क्या कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं होता हमसे कि किसी और का भी ताल्लुक हो तुमसे, और साथ में कहते हैं कि बारिश की बूंद भी तुम्हें चूम ले तो दिल में आग लग जाती है। नुमान मुझे लगता है वो आग बर्दाश्त कर करके आपकी इतनी सी सेहत रह गई है तो बारिश की बूंदें कुछ नहीं करती, सो बी रिलैक्स। ओके जी साथ में मैं साथ में म्यूजिक ही रख लूं। ओके ओके आगे जो है शायद माजिद का कि सजाद का शायद गाना मिस हो गया, लेकिन इस तरह तो भी होता नहीं, इस तरह से करना ही पड़ता है। आगे मैं मोमिना का है ना वो रखूंगी, मेरी मर्जी, मेरा शो, मेरी चॉइस। ओके ठीक हो गया। एवरी जर्नी हैज अ डेस्टिनेशन। अच्छा आपसे मैंने मैसेज किया था कि सॉरी मैंने क्वेश्चन किया था वो मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं। नुमान चट कहते हैं आज मैंने 15 पर मैसेज किया कि मैनू लव लो ने नुमान क्या करते हो? माधी दिल्ली कहती है कि गुजरात की हो, ओ माय गॉड माधी इतनी ब्लू बैठने की उत्सुक लोग सुप सुप उठ कर ये देख कर खुश हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग क्या हो गया नुमान आज आपको क्या उदास करके कहते हैं आप बताएं? बहुत तेज तेज करती हो। ओके 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 मैं स्लो बोलती हूँ ठीक है। ओके 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 वेलकम कहेंगे, शामदीद कहेंगे आप सबको, और एक कॉलर में जूते जल्दी से कॉल अटेंड करते हैं क्योंकि इंतजार करवाना बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके कौन मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, कहाँ से? इसरार अहमद मुगल, जिंदाबाद से। ओके इसरार क्या हाल है, कैसे हो?
अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, आप कैसे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बिल्कुल ठीक। इसरार जरा छत से देखना वहाँ पे जो दरिया उसकी क्या पोजीशन है। मैं छत से नहीं हूँ, मैं अपने रूम में हूँ। तो जाओ ना छत पे पानी देख के बताओ। हमारे पास नहर है वो अच्छा फुल भरी हुई है। अच्छा ठीक ठीक सही होगा। फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है मुझे ये बताओ जरा। पता नहीं है, फिर लोड शेडिंग वालों को पता हो। ठीक सही होगा। अच्छा तो बोल्ड काम होते हैं, चीजें जल रही हैं। ओके इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो होती हैं ये। अच्छा 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 अल्लाह ही हदायत दे इनको। ठीक है। अच्छा इसरार आपसे बिल तो पूरा देते है ना आपको पता है? हाँ वो तो हमने पे करना है, टैक्सेस भी पे करने होते हैं हमने। क्योंकि अगर बैट के वोल्ट कम होंगे तो उनको चाहिए ना कि बिल भी कम ले। आप जैसे दिल रखने वाले पाकिस्तान में आ जाए ना तो हमारी जिंदगी संवर जाए। मैं अगर हूँ इस जगह पे मैं तो फ्री कहूँगी जी। अच्छा ठीक। अच्छा इसरार आपसे मैं क्वेश्चन करूँ? करें। मुझे ये बताए घर जो है ना, मतलब अगर आप दूध जो डिलीवर करते हैं वो पता है उसमें बहुत ज्यादा पानी भी इस्तेमाल करते हैं, पानी डाल देते हैं ना, वो तो हराम हो गया, हराम ही है ना। तो मुझे ये बताओ घर आने के बाद अगर उसकी अम्मा जान या जो सिस्टर है उसमें पानी ऐड कर दे, पानी डाल दे, वो हलाल होगा कि हराम होगा? बात ये है कि हाँ वो जो है ना बिल्कुल हालत उसको चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो वो आम की जो मेन हवाम है ना ये वो हजम नहीं कर सकते। उसमें पानी जरूर ऐड करना चाहिए। अच्छा ठीक, मतलब हलाल है ना फिर? हलाल है, बाकी वो ज्यादा मकदार में वो जो डाल के देते हैं वो तो हराम है ना। ठीक हो ठीक पता है ना आपको, वो जब मोटरसाइकिल लुट जाता है वो सारा दूध लुट जाता है। हाँ। तो फिर उसका दूध का दूध पानी का पानी। ठीक हो गया ठीक है ओके। बाकी वो हाँ। पूछिए नंबर ब्लॉक करने वाला। अच्छा अगर वो तो तंग आ रहा है तो फिर तो करें, आप उसको नहीं जानते। अच्छा अगर आपका कोई अजीज है तो उसका नंबर ब्लॉक करें तो वो फिर जल्द बात है। ठीक है सही हो गया। इसमें हराम हलाल वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। आज पता है कि आज मेरा मूड हो रहा था कि मैं फनी क्वेश्चन करूँ ना, तो वो मैंने एज अ फन मैंने क्वेश्चन किया। ठीक है सीरियस ना हो जाना। एक कॉलर आपको कॉल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि रेडियो सुने फिर कॉल करें। ठीक है वो कॉल करते हैं रेडियो पे, अपनी बात नहीं सुन रहे, आपकी बात नहीं सुन रहे, तो वो कैसे बात करेंगे? ठीक सही हो गया सही हो गया। ऐसे कॉलर जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देना चाहिए। ओके ठीक है, किसी को मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि गर्मी से बचे ओके, और पानी और ठंडे मशरूम जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करें। ओके ठीक हो गया। इसके अलावा बस नाम दे दो। ठीक है अंकल शेख, डायमंड भाई, अंकल शकीर ओके, और दुआ आशा मुगल, रबिया मुगल, सोनिया, खतीजा ठीक, आईरम, अनीला, मरियम, बस कर दो भूल जाते हैं अभी तो आपको पता है। ठीक है और एक सिस्टर सब है हेल्थ उनको भी। ठीक ठीक ओके, सबकी तरफ से वालेकुम सलाम। उनको भी सबकी तरफ से वालेकुम सलाम। सब पुराने कागजों को मिस कर रहे हैं और आ जाए करेगा सुन रहे होते हैं तो का चांस दिलाया। ओके 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 थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है अब योरसेल्फ और राइट में जल्दी से वेलकम बोलूंगी, हमारे साथ एहतिशाम मौजूद है। एहतिशाम आपको वेलकम कहेंगे, आपका जो मैसेज है वो मेरे माइंड में था बट माइंड स्किप हो गया, वो भी मैंने शामिल करना था। नवीद हमें ग्रीस से देख रहे हैं, ग्रीस यानी यूनान से, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा फातिमा कह रही है कि फर्स्ट टाइम लिसन, किसी के कहने पे सुन रहे थे। ओके किसी के कहने पे सुन रही थी लेकिन आइंदा मेरे कहने पे हमेशा सुनिएगा, थैंक यू सो मच कहेंगे। और आपको अपने शो में हाय भी बोलेंगे, शामदीद भी बोलेंगे। जल्दी से एक ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ट्रैक है मोमना मुस्तंस, क्या नाम है, मुस्तसन, उनका जो है सॉन्ग वो मैं प्ले करती हूँ, इसको एंजॉय कीजिए एंड दिस शो विद मी। सुनो ओके जी। नुमान क्या कहते हैं कि दुकानदार कपड़े दिखा दिखा के थक गया, लड़की ओ गुजर गया। ओके एस ए यानी सज्जाद अहमद अगनी, हम आपको अपने शो में वेलकम कहेंगे और आपने वेरी फर्स्ट टाइम जो है ना मेरे शो में मैसेज किया है मुझे पता चल गया। ओके आपको स्पेशली हम वेलकम कहेंगे शो में। और साथ में बताते चलूँ वो लिसनर्स एंड व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम मुझे ट्यून किया उनको बताते चलूँ, मेरा और आपका साथ होता है ओनली एंड ओनली सैटरडे को शाम 4 से 6 बजे तक। नुमान जी क्या भेज दिए, किसके लिए? माजिद कहते हैं कि सुनो ना
संगे मरमर, ये इंडियन सॉन्ग है, सॉरी इसको नहीं प्ले कर सकते। सुपर, किसने बोल दिया, थैंक यू सो मच। और सगे अब्दुल रहमान कहते हैं कि माशाल्लाह थैंक यू सो मच, और भाई वेरी नाइस थैंक यू। नमान जस्ट कहते हैं कि दुकानदार कपड़े दिखा के थक गया लड़की भाई और दिखाए क्या हो गया नुमान मतलब आज कैसे आपने मैसेजेस करने शुरू कर दिए हैं, क्या हो गया, क्या सुबह खा लिया, क्या हो गया आज आपको। एनीवेज वीकेंड का भी बताएं कि वीकेंड का क्या प्रोग्राम है। अच्छा अभी जो लिस्ट एक चली है, लास्ट एक और सॉन्ग जो है वो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे स्पेशली करूंगी। कॉल अटेंड कर ले, क्या कहते हैं अच्छा कहते हैं कि इंडियन सॉन्ग क्यों नहीं, क्योंकि वो बैड है। ओके फातिमा कहती है वो नजर ही नहीं आ रही आज। अच्छा कौन नजर नहीं आ रही है, किसका पूछ रहे हो आप? कॉल अटेंड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मामू जी, हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली पहचान ली है, कैसे हैं आप? जी अच्छा मामू जान, दिल्ली से क्वेश्चन करूं? जी जी बोले, बड़ा ना ध्यान से आपने इसका आपने ना जवाब देना है, ठीक है? हेलो जी सुने जरा, थोड़ा सा ना मैथमेटिक जो ना मैथ्स का वो वाला मैंने आपसे क्वेश्चन करना है। 1 किलोमीटर का सफर हो तो कितना पेट्रोल लगेगा अगर आप साइकिल पे हैं तो? अच्छा जवाब देना ना मुझे इसका। नहीं 1 किलोमीटर का अगर फास्टर आपने तय करना है, डिस्टेंस है ट्रेवल करना है, और साइकिल में भी कितना पेट्रोल दिलवाए? गुड आंसर गुड आंसर। हाँ ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा किसी को पैगाम देंगे जी? ठीक हो गया, अच्छा ठीक सही हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ना बताएं कि किसी को पैगाम देंगे? वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही हो गया। ओके वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारी मर्जी। ओके उस्मान अहमद हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं हेलो हाय, बोलेंगे आपको गुड आफ्टरनून, बोले आपको भी गुड आफ्टरनून। और कहते हैं हाय ग्रेट वीकेंड यू टू आल्सो। हसन गिल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम हसन गिल फ्रॉम हसन, सुनो जरा मेरी, ये जो है ये किसके आसिम का सॉन्ग है। लाहौर से हसन गिल हमारे साथ आपको शांति कहेंगे। शबी मलिक कहते हैं कि आपके गुजरात में साइकिल में भी पेट्रोल नहीं, मैंने खारिया में देखा था इसलिए पूछा है। नुमान अच्छा नुमान दोबारा से हाय बोल रहे हैं। नुमान क्या हो गया आपको, उल्टे चल रहे हो मतलब ठीक है। ये मुझे बहुत सॉन्ग पसंद है, मैंने इसको बहुत सुना हुआ है। नूर हाँ हमारे साथ मौजूद है, नूर हाय बोलेंगे आपको। नूर आपकी जो है जो प्रोफाइल है डीपी वो कुछ अजीब सी लग रही है मुझे, इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको वेलकम किया अपने शो में, और आई थिंक सबसे पहले भी मुझे कॉल किया मुझे याद आ गया। ठीक हो गया, 5:11 हो चुके हैं, कॉल अटेंड कर लेते हैं क्योंकि हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब, कैसे हो? सख्त बीमार हो गए हो, मतलब बीमार भी हो गए सख्त भी हो गए हो, अल्लाह हैर करे आप क्या होगा अल्लाह आपको अल्लाह की ये तो छोड़ो हम तो छोड़ो भी बन चुके मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं, अगर आपको वाकई मिलती है तो आपको मिल जाए। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या हुआ? ठीक हो गया। अच्छा हमसा आपके लिए क्वेश्चन पता क्या है, बल्कि क्वेश्चन ही है, मैंने सुना है,
हाँ, मैंने सुना है कि जब से आपके घर वालों को पता चला है ना कि ईद उल अजहा नजदीक आ रही है, उन्होंने आपको दाल खिलानी शुरू कर दी है। ये देखा, मैंने ठीक बोला। देखा मैं ठीक पहुंची हूँ ना। हम सर डोंट यू वरी, ईद आ रही है, खुल के खाना भी मिल। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा हम सर मुझे ये बताओ, अगर किसी को सॉरी बोले वो फिर भी राजी ना हो तो क्या करें? जबरदस्ती करके खान के नीचे लगाओ। ये भी ठीक है, अच्छा आंसर किया। ठीक हो गया। अच्छा मैसेज देना चाहोगे किसी को? मैसेज तो बहुत है मेरे पास, जल्दी से देना। वहां पर डाल किसी लड़की का नाम लिया तो बच्चे एज यू विश, जैसे आपको बेहतर लगे। हाय, ये बात मुझे समझ नहीं आई है, आप वॉइस कर दो, मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, जैसे आपको अच्छा लगे। जिसको दिल करता है दे दो ना। तमाम सुनने वाले को सलाम। हाँ आंटी ठीक हो गया। और आयशा आंटी। हाँ, और रोया आंटी। और तहरीम आंटी ठीक हो गया। ओके, इनको करना क्या है, नाम तो ले लिए। ठीक है, वालेकुम सलाम सब की तरफ से। तो सलाम देने इन्हें। जीते रहो बेटे, जीते रहो। ठीक हो गया, वालेकुम सलाम बच्चे, जीते रहो। अल्लाह हाफिज। ठीक है यूसेल्फ, और आपने आज नोट किया होगा, अगर आप सुन रहे हैं आज इसने सबको आपी अम्मी आंटी पता नहीं पुप्पो क्या क्या बना दी है। एनीवेज ओके टाइम हो गया 5 मिनट 15 मिनट, कमर्शियल भी जाना था, कमर्शियल भी जाते हैं। ओके आगे हम सॉन्ग भी रख लेते हैं। अच्छा तंसीर को हम वेलकम देंगे अपने शो में। तंसीर ने भी काफी जो है ना, आई थिंक लास्ट वीकेंड आपने मिस किया था, एनीवेज कोई बात नहीं, इट्स ओके, वेलकम देंगे आपको शो में। नूर खान क्या कहती है? ओके ठीक हो गया, सही हो गया। और साथ में मुझे ये भी तुझे गाना है ना, इस सिस्टम को भी हमने साथ ही लेके चलना है। हसन गिल क्या कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा आज, मैं पहली बार, अच्छा पहली बार सुन रहे थे, थैंक यू सो मच हसन, पहली बार तो सुने लेकिन हमेशा सुनते रहिएगा इंशाल्लाह। ओके नवाब ज़ादा, वाह वाह क्या बात है, क्या नाम है नवाब ज़ादा, क्या है एटीट्यूड है ना। ओके नवाब ज़ादा आपको हाय बोलेंगे, जो मैं कहते इन द शो एक शेर आपके लिए, और ये शेर कहाँ है, शेर को भी हम देखते हैं। कहते हैं कि गैरों में बट रही है तेरी धीर की चाशनी, तेरी आवाज जिनका रिस्क थी वो फाकों में मर गए, क्या बात है आला, क्या बात है। नुमान चक कहते हैं कि अगर रही बात मोहब्बत की तो वो चाय से शुरू चाय भी खत्म, कसम से रियलिटी है, इट्स रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है, मतलब चाय पे कंप्रोमाइज नहीं। अच्छा एक चीज बताती हूँ, चलो व्हाट्सएप पे आप कॉल नहीं कीजिए क्योंकि व्हाट्सएप पे कॉल फायदा नहीं, इस वजह से मैं अटेंड नहीं करती, तो प्लीज आप लैंडलाइन पे करें, यहाँ पे जो है ना व्हाट्सएप पे वीडियो वगैरह करते मैं करती हूँ, और ड्यूरिंग ब्रेक जो है वो कॉल अटेंड नहीं की जा सकती, इसलिए थोड़ा सा आप समय कर लो। ओके अमजद नईम कहते हैं कि इश्क और मेहमान पर शायरी आपके लिए एक सबक की तरह है, आप उससे मोहब्बत में जीने के आदाब भी सीखोगे और हिजर वसाल को गुजारने के तरीके भी। क्या हो गया अमजद, क्यों डरा रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, हैप्पी वीकेंड है, अच्छी बातें करो। ओके फैसल रफीक को हाय बोलेंगे, फैसल रफीक जो है वो मेरे यहाँ पे मेरे लिस्ट में, और यूजुअली जो है वो स्टेटमेंट जो है पोस्ट पे बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच कहेंगे सबसे पहले आपको फैसल, और साथ ही कहेंगे फैसल कह रहे हैं कि सोदिया से ओके माशाल्लाह बहुत अच्छा शो हमारी सिटी खारिया का, वाह वाह मुझे समझ नहीं आई कि मेरी तारीफ हुई है कि अपनी सिटी खारिया की तारीफ की है। एनीवेज थैंक यू सो मच कहेंगे आपको, और आपसे जो है ना फैसल स्पेशली मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि
सर सोचिए अगर सुबह आपकी शादी हो तो आप सुबह उठे और आपको बताया जा रहा है आज आपकी शादी है, आपकी क्या होगी फीलिंग? एक्साइटमेंट होगी, नर्वस होंगे, कंफ्यूज होंगे, सैड होंगे, मतलब सडनली कुछ भी नहीं किया शादी भी आ गई है, मुझे बताइएगा। नमाज अट कहते हैं कि चाय सिर्फ चाय नहीं होती, सलीका होता है तन्हाई में बात करने का, ऐसा ही है ना, अगर क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा। और तनवीर को हम हाय बोलेंगे, हाय कहते हैं, हाय जनाब चाय पी, खत्म मम हो गई, फिनिश हो गई और कोई नहीं मिली। ओके पहल अगले कहेंगे अपने तमाम लिसनर्स व्यूअर्स को क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रहे हो वो लोग जो सो के उठ गए, मुझे ये बताओ कि फ्रेश हुए हैं कि नहीं। और वो तमाम जो हैं लिसनर व्यूअर्स जो ड्राइव करें, प्लीज बी सेफ एंड साउंड, कभी ना पहुंचे से बेहतर है कि देर से पहुंचे, कभी ना कॉल अटेंड करने से बेहतर है कि हम कॉल जरूर अटेंड करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन इस वक्त मौजूद है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अभी चाहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इस समय साथ कौन मौजूद है? हेलो हेलो, आपका नाम क्या है? हेलो, आपको आवाज आ रही है? अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, आप मुझे अपना बताइए, आपका नाम क्या और कहाँ से कॉल किया आपने? आप ऐसे कीजिए, रेडियो को ट्यून कर ले, उसकी हैंड फ्री लगा ले कान के साथ। हेलो, ओके नो प्रॉब्लम, आप इट्स ओके, अब दोबारा कॉल कीजिए तो आपकी कॉल मैं डेफिनेटली अटेंड करूंगी। फैसल क्या कहते हैं कि नर्वस, अच्छा नर्वस क्यों हो जाएंगे फैसल, खुशी की बात है ना, वो कहते हैं ना कि आपको किसने देनी थी लड़की, शुक्र नहीं करते लड़की मिल रही है, नर्वस हो रहे वैसे नर्वस हो जाता है ना बंदा, बनता भी है। ओके नुमान कहते हैं आज सनिया में रेडियो की सिग्नल नहीं आ रही है, अच्छा अभी मेरा कसूर है क्यों नहीं आ रहे हैं? अच्छा वैसे हमारी फ्रिक्वेंसी जो है ना वो काफी अप्रोच है, लेकिन आई डोंट हैव एनी आइडिया कि क्यों नहीं जा रहे। नुमान चट कहते हैं कि क्यों, नुमान आपने ये क्यों बोला? ओके